अभी हो चुका मॉर्निंग का टाइम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जस्ट अभी नहाए आएंगे, बड़े तरीके से फ्रेश होंगे बाइक को, और हमारे कल महाराज जिसको चापा कल बोलते हैं, जिससे पानी पीते हैं, छोटा वाला साइकिल को, और घर के सारे दरवाजे, जो भी लोहा का यंत्र वगैरह, सबको साफ करना। आपकी प्यारी बहन सुहानी पूरी बना रही, उधर आपकी प्यारी सी मम्मी बादाम को जो है, मूंगफली का दाना इसको बोलते हैं, बादाम दूसरा को बोला जाता है, उसको जो है भून रही है। सुहानी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? आज हमारे घर में पूजा हमारे से लिया पूरे पकड़े। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बहन, आज भी करना पूजा है इसीलिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है। आज स्पेशल खाना बनता है, पूरी और हलवा और सब्जी, सब बेटा बेटी आइएगा खाने के लिए। पेड़ का नजारा देख लो मम्मी, जो तड़कुल का पेड़ का जो फल का जो होता है फलकी, उसको जलावन कहा जाता है, उसको बड़े तरीके से पसार दिया, तो रात में जो बारिश होने की वजह से भीग गया, सारा खराब हो गया, नहीं तो यहीं पे खाना बनता। तो गाइस इधर देखो, गर्मा गर्म हलवा बनाने की तैयारी चल रही है, इधर पूड़ी बन चुका है, इधर बादाम जो है भुजा चुका है। मम्मी सब्जी बना है? नहीं, आप बनाएंगे? आप सब्जी बनेगा ना? अरे वाह, स्वादिष्ट स्वादिष्ट और टेस्टी टेस्टी खाना, और ऊपर से हमको सर्दी हो गया है, कैसे खाना खाएंगे, स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस वीडियो का एडिटिंग हमने कम्प्लीट कर लिया है, अभी जाना है बाइक को साफ करना, अपना साइकिल को, फिर जो है चापा वाला कर ले उसको, मम्मी जी कपड़ा पड़ा साफ कर दिया है, और वीडियो एडिटिंग करके अपलोड में लगा देना। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो वीडियो अपलोड हो गया ना, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बस 2-4 मिनट का थंबनेल स्क्रीनशॉट करना है, वीडियो से ज़्यादा कोई खास नहीं, उसको अपलोड कर देना है। जैसे डेली ब्लॉग में होता है वैसे ही, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। बाकी यहाँ का मौसम देखो भाई साहब, मम्मी मम्मी नहा ले आके, पहले साफ कर ले, फिर सुहानी परेशान है। बस बाइक और साइकिल को बड़े तरीके से धुल लिए हैं, और मम्मी जी कल को साफ कर रही है, इसको कल बोला जाता है, पानी पीने वाला कल है ये, मम्मी बढ़िया से इसको साफ कर रही है। सुहानी क्या काम किया है तू सवेरे से? खाना बनाई है स्वादिष्ट स्वादिष्ट, और खाना बनाई है, फिर झाड़ू लगा कर पोछा किए हैं ऊपर वाला घर में, और जमीन पे सारा पूरा घर को साफ कर दिए। थोड़ा दिखा देते आप लोगों को, ये पंखा चालू करके रख दिए ताकि सूख जाए, है ना, पानी से बढ़िया तरीके से नीप दिए इसको, हाथ भी देखिए कितना गंदा मिट्टी लगा हुआ है। इस घर को भी साफ कर दिया गया है, और बड़े दिनों के बाद इस घर में भी जा रहे हैं। ओ भाई, ये घर तो हमारा स्वर्ग की तरह है, इसमें देवता जी का वास रहता है यहाँ पे। तो मम्मी जी इसीलिए हमको डांट रही थी सवेरे में, यानी पूरा टी शर्ट को हमको बढ़िया तरीके से साफ कर दिया। वाह, आई एम सो हैप्पी, पहनने के लिए कपड़ा साफ हो गया। भाई जस्ट नहावा के बड़े तरीके से फ्रेश हो चुके हैं, इधर रही हमारी प्यारी सी मम्मा, ये भी रेडी हो गई है, मम्मी आशीर्वाद दे दो, खुश रहो मस्त रहो। चलो बाजार, बाजार से सामान ला करके गाड़ी को पूजा करना है। हाँ, और गाड़ी की पूजा करेंगे, प्रसाद से बेटा बेटी के खिलाएंगे। हाँ, आगे भाई की बढ़ाना, सब लोग जो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद। हाँ, मम्मी को बोलने से पहले ऐसा हो गया। अभी चलते सीधे मार्केट, प्रसाद प्रसाद लाते हैं, फिर बड़े तरीके से पूजा करेंगे, क्योंकि अभी दिन के बजने वाले 1, अभी तक खाना हम भी नहीं खाए, मम्मी भी नहीं खाई है, पूरा घर का साफ सफाई चल रहा था, क्योंकि आपकी प्यारी में रागनी घर पे है नहीं, तो हम ही लोगों को करना पड़ता है। बाकी बाल वाल भी बढ़िया से नहीं सीटे, जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं एकदम नहा धुआ के, कि चलते मम्मी मार्केट। चले मम्मी, पहुँच चुके मार्केट। आज भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा है, तो देखो चारों तरफ मालाएं लगे हुए, केरा चढ़ाया जाता है उनके ऊपर, प्रसाद के ऊपर देखो, और यहाँ का पानी कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये हमारा पत्थरगढ़ का मेन मार्केट है, हमारा गांव का पड़ जाता है, कोई भी सामान लेना हो तो यहीं से लेकर के जाते हैं। कहाँ से ले
केला ले लेना, तो केला ले लेना, लेना लीजिए, ये भी ठीक है। हाँ सभी घर पे आए प्रसाद लेकर के, भाई साहब ऐसा मेरे शरीर में हो रहा है ना, पता है दो चार दिन से मतलब कमजोरी सा हो रहा है, ऊपर से असल में पूरा शरीर एकदम गरम गरम सा होता है, और उसके बाद क्या हो कि सर्दी है ऊपर से, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि पूरा कमजोरी हो गया पूरा शरीर में, मतलब बाइक चलाते हैं या फिर कोई काम करते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, रात भर जगने की वजह से या फिर व्लॉग बनाने की वजह से या फिर व्लॉग जो एडिटिंग करते हैं उसके वजह से क्या होता है ना कि मोबाइल का जो रोशनी होता है वो आँखों पर पड़ता है, क्योंकि जब भी एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं 2 से 4 घंटा लगातार वीडियो को एडिटिंग करना पड़ता है, तो इससे भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुहानी अभी तक नहीं नहाई है गाइस, देखिए कितनी गंदेली लग रही है, मम्मी से भी डांट सुनी है। वो फूल निकाल दे दही। हाँ निकाल दे, घूमे हटा के चक्कू से हटा दे ऊपर। देखो भूत पकड़ा हुआ है, कौन है तूने भूत पकड़ कन्या ये माला को क्यों खराब करी, पूजा होगा अभी अच्छा ठीक है, ठीक से लगा दो, ठीक सीधा करना दो इसको सही से, हाँ बस बस आराम से रखो, उसको लगाओ ना उसको सही से, वो लग जाएगा। बाइक और साइकिल का बढ़िया से पूजा करती हैं आप, जो हमारे कल की बारी है, लो इसको रख दो जाके, तुम ना लो भी बढ़िया से है ना, तो गाइस आप लोग भी आकर के प्रसाद खा लीजिए आपकी प्यारी मम्मी के हाथों, और अभी खाना भी खाना है, आज काफी लेट हो गया है। चलो बेटा बेटी प्रसाद मुंह खोलो, प्रसाद खा लो, बुनिया या केला जल्दी जल्दी मुंह खोलो। खाने में निकला हुआ पूरी और प्यारा सा हलवा, इधर सब्जी, मम्मी खिला दो अपना बेटा बेटी को जल्दी, प्रसाद के साथ साथ है, आज स्पेशल खाना बना है आपकी प्यारी मम्मी और सुहानी मिलके बनाई, सुहानी अभी तक नहीं नहाई है, अच्छा नहीं डांटेंगे, खिला दो मम्मी। चलो बेटा बेटी जल्दी मुंह खोलो, भाई बहन जितना है सब देख रहे हैं सब, मम्मी के यहाँ से हलवा पूरी आकर के खा लीजिए, तो कोई मस्त खाना वाना खा लिए, और बिल्कुल भी मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है सच बताएं तो, ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा हर्राहट सा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा नहीं पूरा आराम कर लेता, उसके बाद ही रील्स वगैरह जो भी होगा तब बनाएंगे। ऐसा लग रहा है ना गाइस कि बुखार लग रहा है, पूरा शरीर जो है ना दर्द से एकदम हर्राहट से महसूस हो रहा है। तो भाई जस्ट मैं भी सोकर के उठा हूँ, भगवान जी का प्रसाद खा रहे हैं, और मीठा मुझे ज़्यादा पसंद है, ऊपर से बुखार भी लगा हुआ है, बुखार इतना तेज है पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा एकदम बुखार है। और यहाँ पे जो है हमारे बकरी मियाँ का भी जो है तबीयत ख़राब है, मम्मी इसको नहलाई है अभी बढ़िया से, मालिश वालिश की है, पता नहीं क्या हो रहा है घर में, सुहानी को भी एकदम नहाने वाने का मन नहीं है, एकदम मलिच बनी पड़ी है, क्या हुआ क्यों नहीं नहा रही आज, क्या हो रहा है जोर से बोलो ना, क्या हो रहा है, सिर दुख रहा है, ओहो पता नहीं क्या हो गया, नहा लो ना तुम फ्रेश हो जाओगे, नहा लोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, नहा जल्दी से नहा लो, पता नहीं क्या हो रहा है घर में, कैसा चल रहा है सबका तबीयत खराब हो रहा है, यहाँ पे मिट्ठू मियाँ और चिड़िया मियाँ सबसे बढ़िया है, इन सब का लाइफ ठीक है, आराम से मस्ती में घूम रहा है, खाने पीने को कैसा कर रहे थे नौटंकी करके दिखा
हे प्रभु। ठीक है जाओ नहा लो जाओ, थोड़ा तबियत में सुधार आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई शरीर में, हमने सोचा कि थोड़ा रील्स बना लेते हैं। वैसे रील्स भी हमने अपडेट दिया था, एक रील्स डाल करके कि मेरा तबियत आज खराब है, आज वीडियो नहीं डाल पाएंगे। हालांकि पुराना वीडियो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं ना, बट क्या करेगा, वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा फैमिली का छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर एक दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा तो और ज़्यादा एनर्जी डाउन, ऊपर से है ही और ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाएगा। वीडियो बनाने से एनर्जी आती है कि हाँ अच्छा हो रहा है, फॉलोअर बढ़ रहे हैं हमारे, लोग पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब रील शूट कर रहे थे तो काला काला लग रहे थे, मम्मी बोली कि लाओ क्रीम लगाए थे। मम्मी फेयर हैंडसम लगे, नहीं कि नहीं खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं, फेयर हैंडसम लेके आई है, मेरे फेस पे लगा रही है। शरीर में तो जान मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी ब्लॉग कर रहे हैं, ऐसा सिचुएसन है। आप लोग भी सीखो, अगर डेली ब्लॉगर हो, डेली ब्लॉगर बनना चाहते हो, तबीयत भी खराब रहेगा तब भी आपको मैनेज करके चलना होगा। देखिए और ये क्या लगा दी क्रीम, पूरा मुंह में पोत दिए। और देखिए आपकी प्यारी बहन छोटी को देखिए, बाल संवारने में लगी हुई, अभी जस्ट ना के आई है, काला काला हो गया लगता है, जे कृष्ण भगवान जो रहता नटखट वैसा ही हो गया है काला। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, मेरा फेस देखिए एकदम कार्टून जैसा लग रहा है। जैसा नहीं लगता है, राजा बाबू जैसा लगता है, टकला नेता है ना, वो देखती है वही हमको बोलती रहती है। टकला नेता यही है, सुहानी। तो गाइस आज घर में खाना नहीं बनने वाला है, खाना बन चुका है मॉर्निंग में ही, बनेगा आज मैगी, सब चीज बनेगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम आपको मिलवाने वाले बॉलीवुड के सिंगर राहुल विद्या से, या फिर जो भी कहिए, एक यूट्यूबर भी है, काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं इनका। तो जब हम मुंबई गए थे व्लॉग करने के लिए तो ये भी मिले थे, तो हमने सोचा कि चलो आप लोग को व्लॉग में दिखाते, तो छोटा सा हमने क्लिप जो शूट करके रखा था एक दो मिनट के, तो आज के व्लॉग में वही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। बट अभी का सीन कुछ ऐसा, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, हो सकता है एक दो दिन व्लॉग नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा व्लॉग लाने का। फिलहाल ये क्लिप देख लो, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अरे वाह यार, बहुत जल्दी आऊंगा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे ही यूट्यूब के बॉक्स में से देख लिया आप लोगों ने, बिहार के लिए गाना गाए ही हंस दिले। तो इतना ही, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट की, ज्यादा से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट के, बगल में इंस्टाग्राम कर जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना किम्तु निकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल विद्या से आपको मिला है, आपका क्या राय विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा सेलिब्रिटी लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लोग मुझे सेलिब्रिटी समझते हैं लेकिन मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, मेरा लाइफ में नॉर्मल चीज़ें होता रहता है, कहीं भी किसी से भी कोई प्रॉब्लम होता है कहीं किसी के साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ, मम्मी पापा सब लोग, बस मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब से इनकम करूँ, अपने फैमिली को संभालूँ और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता रहे और ज़िंदगी में सब कुछ सही होता जाए, बस और कुछ नहीं।